कूड़ा दारू सब गाड़ी सबको ठोक दिया यहाँ पे एक नंबर। अच्छा अच्छा हालत में इतना अच्छा था को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ट्रक वाला भाग गया भाई, मेरे को लगता है ना कि भाई इंडिया का पोजीशन ना वर्स्ट 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 है। अरे भाई ट्रक का चाबी फेंक दिया। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैंने जैसे बोला था ना भाई आजकल रेगुलर वीडियोस आएंगे, तो मैं हर एक दो दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के वीडियोस डालूंगा आप लोग के लिए ना। आप लोग का काम है भाई भाई को ना फुल सपोर्ट देना। ये वाला जो रैप पैटर्न है ये आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, तो स्टे ट्यून्ड रहो, देखो आप लोग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ मोटो वर्ल्ड। गाइस मैं चाहता था ना फॉर द लास्ट टाइम आप लोग जो हमारा सजन आ रहा है ना उसका कलर को देख लो। और ये वाला जो कलर था ना ये होकमैन सिल्वर था इसको बोलते हैं, एंड ये कलर भी बहुत यूनिक था। कोलकाता में बस दो पीस था ऐसा गाड़ी जिसमें से मेरा भी एक था, और जो कि ये प्रो मॉडल था और एक है वो स्टैंडर्ड है। ये कलर भाई काफ़ी प्रीमियम लगता है एंड फॉरेन कंट्रीज़ में ना सारे बाइक्स जो इतने सारे बाइक्स रहते हैं ना 1000 RR मोस्टली जब ये वाला सोल्ड आउट हुआ था ये कलर में आप लोग रील्स वगैरह देखे होंगे, फॉरनर बंदा लोग ये कलर को बहुत प्रेफर करते हैं एंड मेरे को भी ये कलर बहुत पसंद था। लेकिन बस आप लोग को थोड़ा चेंजेस चाहिए था एंड मुझे भी ट्रिप में कुछ चेंजेस चाहिए था, बोल के मैंने सोचा चलो अभी इसको एक रैप करा ही देते हैं बढ़िया सा, और आप लोग को भी पसंद आएगा और मेरे को भी ट्रिप में एक यूनिकनेस फील होगा। चलो अभी लेके चलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इधर देखो क्या एग्जॉस्ट रोड वगैरह कितना मस्त बना दिया ठीक है। और थोड़ा दिन बाद ही आज से 10-20 दिन बाद ही ये थोड़ा ठीक होने से पहले ही पूरा रोड को तोड़ तार के बराबर कर देगा। फिर वो पाइपलाइन के लिए खुदा है, ये के लिए खुदा है, वो के लिए खुदा है। अरे मेरा भाई जब तेरे तोड़ना ही है तो फिर बनाता क्यों है। मेरे घर से ना ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ पर रैपिंग होगा और जिनसे बात हुआ भाई तो। लेकिन मेरे को ना एक टेक्नीशियन को लेके जाना पड़ेगा जो इस गाड़ी का फेयरिंग को पूरा खोलेगा। चीज़ कमेंट में लिखना भाई कि हम लोग जब लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे ना तो ये SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है इसमें। मैं सिक्किम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारा वहाँ पे पुलिस लोग मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, तो और वो एक मतलब पहाड़ वाला जगह है तो एग्जॉस्ट लगा के जाने देना भाई, लैंडस्लाइड वगैरह क्या होगा नहीं होगा ज़रूरत क्या। तो हम इसमें नॉर्मल स्टॉक लगा लेंगे, एयर फूल सिस्टम तो है ही हमारा, ये मैं सोचा हूँ। बात बाकी आप लोग बता सकते हो कि इसमें क्या करना चाहिए, SC लगा के ही जाऊँ वहाँ या नॉर्मल स्टॉक एग्जॉस्ट लगा के शांति से जगह को टूर करूँ, इन्जॉय करूँ, एक्सप्लोर करूँ। आग वाला एक्सीडेंट हुआ। ओ भाई दारू का बोतल, ओ भाई साहब पूरा दारू अलग सीन है भाई। अच्छा वो पूरा बियर स्मेल आ रहा है अलग लेवल भाई। अच्छा अच्छा मेरे को डर समझ में नहीं आता पुलिस लोग को ना भाई, कैमरा देख के इतना डर क्यों लगता है मेरे को समझ में नहीं आता भाई। मेरे से बोल रहा है कैमरा बंद करो, ये करो, वो करो। अरे भाई रास्ते में कुछ भी हो रहा है मैं इंसिडेंट में रिकॉर्ड कर ही सकता हूँ, हम लोग को फ्रीडम है। अब ज़्यादा हुज्जतबाजी करने जाऊँगा फिर झमेला होगा भाई। मेरे को लगता है ना कि भाई इंडिया का पुलिस सिस्टम ना वर्स्ट 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 है भाई, और सारा पुलिस लगभग 90% करप्टेड ही है यहाँ पे। अपना काम पे निकलते भाई, लेकिन अच्छा हुआ दारू वारू का गिरा, कुछ गरीब आदमी है कुछ ज़्यादा तो दिक्कत लगता बहुत टेंशन। तो एक दो वीडियो देखा था मैं बहुत दिन पहले, ऐसे ही गाँव के वहाँ दारू का पड़ता था, गाड़ी पलटी हो गया था और सारा गांव का आदमी लोग उसको लेके जा रहा था भाई। तो बताओ क्या हो सकता है, गाड़ी पूरा पलटी खा गया, ऐसा गाड़ी था भाई पूरा, हो सकता है ओवरलोड हो गया होगा। तो भाई जाते जाते ना शाम हो गया था और जिस भैया के वहाँ से एक अच्छा टेक्नीशियन खोजते खोजते, क्यों अच्छा टेक्नीशियन पता है भाई आप लोग सबको बता रहा हूँ,
ये भाई बहुत सारा स्कैम होता है एक तरह से, कि अगर बाइक आप दे रहे हो ना गाई तो फेयरिंग वगैरह जो जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग खोलता है और फेयरिंग को तोड़ ताड़ देता है, और जैसे जैसे करके रैप वैप लगा के उसके बाद उसको गाड़ी को दे देता है आपको बाद में, मतलब फेविकोल चिपका के बाद में जब आप भाई ओरिजिनल पेंट में जब स्विच करोगे ना तो आप समझ में आएगा वो बाबा मेरा तो पूरा एकदम टोटल लॉस हो गया, फेयरिंग पूरा डैमेज हो गया। तो कभी भी हमेशा अच्छा टेक्नीशियन यूज़ करो। तो मैंने ऑलवेज प्रेफर ऑर्जेस भैया, एंड उसने भाई पूरा पूरा 10 मिनट में पूरा पार्ट्स वगैरह खोल खाल के एकदम रख दिया। ऐसे गाड़ी को देख के ना बहुत ख़राब भी लग रहा था, लेकिन क्या करो। और ये जो स्टीकर है ना भाई, ये मैंने बहुत प्यार से लगाया था ग्लू क्लीयरेंस करने के लिए, इसको भी उतारना पड़ा क्योंकि ये भी पार्ट अभी खुलने वाला था इसीलिए। एंड पूरा फेयरिंग को एक एक पार्ट को खोला गया, आप लोग देख सकते हो गाइस हर एक पार्ट को डिसमेंटल कर दिया गया है 1000 RR का। ये वाला कलर भी ना होफमैन सिल्वर था, और जो कि काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी हम लोग को कुछ नया चाहिए था। और सबसे इम्पोर्टेंटली भाई, ये जो BM का लोगो ना, इसको बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ना छोटा सा लोगो ना इतना एक्सपेंसिव होता है ना, मतलब क्या बताऊँ। और मेन पूरा गाड़ी का मतलब मेरे को लगता है इस लोगो की वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल ZX10R से 10 लाख रुपये ज़्यादा है इसका 1000 RR का, तो भाई सिर्फ लोगो की वजह से, BMW का ब्रांडिंग एंड ये। और यहाँ पर ना भाई एक बहुत ही फनी पार्ट हुआ, आप लोग देखो भाई हंसना मत कोई कि कोई भी, ठीक है। गाड़ी में ना टैंक खाए में ना तेल निकाला जा रहा था ताकि टैंक को खाली किया जा सके, तेल तो भाई अच्छे से निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, सक कर करके डाल रहा था तो पूरा तेल निकल रहा था। फिर क्या हुआ ना भाई, तेल निकलते निकलते पूरा भर गया, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा तेल होगा इस गाड़ी में तो भाई पूरा ब्लास्ट के सबको नहा लिया सबको यहाँ पे तो ये भाई ना, ये वाला पार्ट बहुत फनी था भाई यार, वो जो भाई टेक्नीशियन था वो भी हंस रहा है बेचारा। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ अपना इस सदनार को, ये देखो भाई, ये आप लोगों को पहचान में आ रहा है अपना गाड़ी है भाई। देखो ये है कुछ हालत अपने S1000RR मन्नत का, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ यार, पूरा पूरा गाड़ी खोल दिया देख सकते हो, ठीक है। और ये इंजन वगैरह आप लोग को पता ही होगा भाई, लेकिन ये कुछ है हालत, ठीक है। ये टैंक अलग रखा हुआ है, ये भाई यहाँ पे खुल के रखा हुआ है देख सकते हो, सारा एक एक BM का हर एक पार्ट पूरा खुल दिया गया है देख सकते हो पूरा पार्ट, ठीक है। 2-3 दिन टाइम लगेगा फिर यहाँ से रैप हो जाएगा और उसके बाद ना ट्रिप पे निकल जाएंगे। एंड गाड़ी भाई मतलब किसी भी कारण से खुला हो लेकिन ऐसा हालत में अपना गाड़ी को देखोगे ना बहुत तकलीफ होगा आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने सजेशन दिया था रैप के लिए, तो उन सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू पूरे एकदम दिल से। एंड मैंने सबके आइडियाज को मिक्सअप करके एक आइडिया बनाया है एंड उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड थैंक्स टू इमरान भाई, उन्होंने बहुत हेल्प किया डिजाइन को थोड़ा मतलब कन्फिगर करने के लिए। एंड लेट्स सी हाउ द मैजिक हैपेंस, एंड पेपर क्वालिटी एंड वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बस रैप करना से नहीं होता कि 2 महीना बाद ना 10 दिन बाद वो सब निकल के फेंका जाता है। तो मैं कराता हूँ यहाँ पे खुद लाइव एग्जाम्पल एंड फिर बताऊंगा भाई ने कैसा काम वगैरह किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा हालत से अपना गाड़ी कितना चेंज होता है, और क्या बोलूं भाई, ऐसा हालत में देख के तो सच में भाई बहुत दुख होता है अपना गाड़ी को। चलो किसी अच्छे चीज के लिए थोड़ा तकलीफ सहना पड़ेगा। दे दिया रैप के लिए एंड अभी जा रहा हूँ घर, और मैं लाइफ में पहली बार किसी गाड़ी को अपना रैप करवा रहा हूँ। अरे भाई खतरनाक भाई, लाइन से सब सबको ठोक दिया देखो। अरे भाई ट्रक का चाबी फेंक दिया, सब गाड़ी सबको ठोक दिया यहाँ पे एक नंबर। ये ट्रक जियो, ट्रक वाला भाग गया भाई। अरे भाई लाइन दे सर, 3-4 ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर का चाबी निकाल के जो जिसको ठोका वो बाहर फेंक दिया चाबी। ड्राइवर अगर नहीं भागता ना भाई, हाँ बहुत मारता बहुत मारता, सही बोले वीडियो को मैं एंड करता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे और मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मिलते हैं भाई लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बरकरार रखो, सपोर्ट बरकरार रखो, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग लाइफ मोटो वर्ल्ड। और इतना दूर तक लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 1 मिलियन तक भी भाई को पहुंचा दो भाई। मिलते हैं भाई लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।